क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको रीड कर लेते हैं। तो दिन द ड्राफ्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड अक्टूबर ऑफ थॉमसन पीली गैराज प्रोप्राइटर द बैलेंस एट बैंक अकॉर्डिंग टू द कैश बुक। अच्छा, बैलेंस एट बैंक अकॉर्डिंग टू द कैश बुक वॉज 894.68 इन हैंड। मंथली बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 711.89। अच्छा, तो कैश बुक का बैलेंस आपको दिया हुआ 894.68 और ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है डेबिट। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है और ये दे रहा है डेबिट बैलेंस, तो ये क्या होगा? ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैश बुक का बैलेंस है कैश इन हैंड और ये बैंक ओवरड्राफ्ट देती है एज पर बैंक स्टेटमेंट, जिसके बाद ये सारी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 894.68 इन हैंड, कैश इन हैंड है, ये डेबिट हो गया। पॉइंट वन, अ चेक फॉर 310.84 हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट इंक्लूडेड इन द कैश बुक पेमेंट्स एज 301.84। से एरर आ गया ना, तो पेमेंट हमने की है 310 की और कैश बुक में रिकॉर्ड किया उसे 301 से, तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 9 से करेक्शन हो जाएगी, तो 9 डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट होंगे क्योंकि पेमेंट हमने ज्यादा की है, 310 की रिकॉर्ड कम से किया है 301, तो 9 से मजीद क्रेडिट करेंगे। ठीक, ये 9 से क्रेडिट कर देंगे, एरर के नाम से लिख लेते। सेकेंड पॉइंट, बैंक कमीशन चार्ज ऑफ 169 एंड बैंक इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 109 हैव बीन एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक। अभी बैंक चार्जेस हैं, डेबिट होंगे क्रेडिट कैश बुक में? ठीक है, बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है ना, तो ये पेमेंट है, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट करता है जिससे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये बैंक चार्जेस आ गए क्रेडिट साइड पर। पॉइंट थ्री, डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक क्या होते हैं? बाउंस चेक भी कहते हैं जिसको, होता क्या है, कब होता है, क्यों होता है? अकाउंट में पैसे ना हो तो चेक रिटर्न हो जाता है ना। एक कस्टमर ने आपको पेमेंट की बाय चेक, चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो चेक आपका रिटर्न हो जाएगा, तो उससे कहते हैं डिसऑनर या बाउंस चेक। अच्छा, और भी कई रीजन हो सकती है बाउंस होने की। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनेगी? डबल एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री बनाते हैं फिर इसको यहाँ पोस्ट करते हैं। डबल एंट्री क्या बनेगी इसकी? तो डिसऑनर चेक की पहले एंट्री बना लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर इसको आप पोस्ट करेंगे। अच्छा, चेक डिसऑनर कब होता है? जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो चेक जब रिसीव कब होता है हमें? जब क्रेडिट पे सेल करते हैं, स्टार्ट से चलते हैं। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अमाउंट सपोज कर लेते हैं 5,000। अच्छा, अब कुछ दिन बाद कस्टमर ने हमें पेमेंट की बाय चेक, अब एंट्री बनेगी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब पता चला कि आपको कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे बैलेंस कम था या नहीं था, आपका चेक बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया, अब क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, बता दो, अकाउंट बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो देखिए, ये हमने चेक डिपॉजिट करवाते हुए बैंक को डेबिट किया ना, बैंक डेबिट, तो बैंक के पैसे तो नहीं आए, तो बैंक को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक में पैसे नहीं आए तो आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। देखिए, अब जो कस्टमर है उससे आप फिर पैसे मांगेंगे कि भाई चेक बाउंस हो गया, पैसे दो, तो इसका मतलब आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो गए ना, फिर से आपके रिसीवेबल क्या हुए? इंक्रीज।
ये इसकी डबल एंट्री हो जाएगी, डिसऑनर्ड चेक की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ये डबल एंट्री होगी। ठीक, बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा और रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, तो अब बैंक क्या हो रहा है इसमें, क्रेडिट। अब यहां पर आ जाएगा ये क्रेडिट साइड पर डिसऑनर्ड चेक, अभी एंट्री याद रखिएगा डिसऑनर्ड चेक की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। Point number 4, check for 15.10 has been recorded twice as a credit in the cash book. सब ये error आ गया ना, दो बार हमने credit किया है cash book में, दो बार credit कर दिया, correction क्या होगी? अब cash book हमने दो बार credit किया तो एक बार होना चाहिए था ना, correction क्या होगी इसकी? दो बार credit तो किया है, दो बार क्रेडिट किया तो एक बार डेबिट कर देंगे ना, करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर आपने एक एंट्री बनाई, सपोज फर्स्ट करें आपने एक सप्लायर को पेमेंट किया तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट होगा ना। आपने क्या किया, बैंक को एक एंट्री बननी थी सपोज 1000 से, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, आपने क्या किया बैंक को दो बार क्रेडिट कर दिया, करेक्शन क्या होगी, बैंक एक बार डेबिट हो जाएगा ना, कोई इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब बैंक को हमने दो बार क्रेडिट किया तो करेक्शन क्या होगी, बैंक को एक बार डेबिट कर देंगे, डेबिट हो गया। नंबर 5, अमाउंट रिसीव्ड इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ अक्टूबर टोटलिंग 1895.6 एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक have not been included in the bank statement until 2nd November. ये कौन से चेक हुए, अनक्लियर चेक हो गए ना, अनक्लियर चेक, अनक्लियर ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। देखिए चेक हमें रिसीव हुए लास्ट फ्यू डेज में, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया लेकिन वो 2nd November तक बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हुए, अनक्लियर नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए, तो ये हो गए आपके अनक्लियर चेक, आखिरी दिन में आपने डिपॉजिट करवाया तो वो क्लियर नहीं हुए। अच्छा, अनक्लियर चेक्स आएंगे कहाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक में नहीं आते। नंबर 6, चेक्स पेड अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ड्यूरिंग अक्टूबर एंड टोटलिंग 395.8 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक अंटिल नवंबर, अनप्रेजेंटेड चेक, ये भी कैश बुक में नहीं आएंगे। क्रेडिट ट्रांसफर टोटलिंग 210.10 हैव बीन क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, क्रेडिट ट्रांसफर हुए हैं तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो बैंक में क्रेडिट हुए तो कैश बुक में डेबिट हो जाएंगे। ठीक, तो क्रेडिट ट्रांसफर है, पैसे आ रहे हैं, ये बैंक हमारा डेबिट, ठीक, बैंक डेबिट। पॉइंट नंबर 8, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, पेमेंट हैज बीन, किसका पेमेंट होती है, ऑटोमेटिक पेमेंट, it has been recorded in bank statement but not in mention in the cash book, so standing order payment hai, bank se automatic payment ho gayi, cash book mein record nahi hui, record kar lete hain, debit karenge credit, payment hai, payment credit hoti hai na, payment ki entry kya hoti hai, accounts payable debit bank credit, bank credit ho jaye, so ye question complete ho gaya, total karte hain, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, अब डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 787.91, सी पैरेट डाउन और ये ब्रॉट डाउन, यहाँ पर एडजस्टेड बैलेंस आ गया एज पर कैश बुक 787.9। हाँ, कॉपी कर, अब इसमें देखें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 711.89 और डेबिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट हो गया, इसे हम लिखेंगे यहाँ नेगेटिव में, ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट नेगेटिव। तब इसमें पॉइंट नंबर 5,
और सिक्स आएंगे सिर्फ, ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव में क्या था, अनक्लियर चेक्स हैं, तो अनक्लियर चेक्स क्लियर होंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इसे हम यहाँ ऐड कर लेंगे। और नंबर सिक्स में अनप्रेजेंटेड चेक है, अनप्रेजेंटेड जब प्रेजेंट होंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, माइनस कर देंगे। इसका सम कर लेते हैं और ये एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 787.91।